मोहतरमा, मैं हमेशा अपनी भतीजी को गुड़िया कहता हूँ और मेरे लिए तो बेचारी हुई गुड़िया है बेटी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पंजाब बलूचिस्तान सिंध और केपी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सदूर जनरल सेक्रेटरी और जोमा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब एहसन इकबाल साहब और पंडाल में बैठे हुए मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बात मुख्तसर रखूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, लेकिन चंद बातें आपसे दिल खोल के करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए ता वक्ते के कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। मैं लेकिन बस नागुजीर वजूहात की बिना पर ऐसा ना हो सका, तो अब इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ नाचीज और मेरे साथियों को आपने मुतफक्का तौर पर आपने मंतखब करवाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने जब से चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला, ये बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात बाद मुखालिफ का मुकाबला कर रही है। आज तो हुकूमत में हम हैं, एक कोलिशन हुकूमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम सब मिलकर चला रहे हैं वो अलहदा दास्तान है। लेकिन करिया करिया हर जगह मरियम नवाज पहुंच रही है और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बाहिम्मत बच्ची है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 60% नौजवान नस्ल से उनका ताल्लुक है। 15 साल से लेकर 30 साल तक इस कौम को नवाज शरीफ की क्यादत में, इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून में नौजवान लीडरशिप की जरूरत है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगले नवाज शरीफ मेमार है पाकिस्तान की तरक्की का। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ज़रात और सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। तो आज उनकी जो इस वक्त वो लंदन में है, उनकी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह मुसलसल जदोजहद की, कारकुनान ने, MNS ने, MPS ने,
बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बेटियों ने, नौजवानों ने जेलें काटी। क़यादत ने अगर जेलें काटी इसलिए कि उन्होंने आपका हौसला देखा, आपको देखा कि कारकुनान चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और फिर क़यादत ने जिस तरह जेलें काटी सब आपके सामने है। हमने जिस हालात में ये इक्तदार संभाला, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कांटों की, ये फूलों की सेज नहीं कांटों की माला है। मैं कहना चाहता हूं कि इन शदीद चैलेंजेस में और मुश्किलात में जनाब इसहाक डार साहब, और ये कोई उनकी मुंह पे तारीफ नहीं, वो यहां पर मौजूद नहीं है मेरा ख्याल, चले गए, उन्होंने वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं, कोई कहेगा जनाब इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, लेकिन उनकी मेहनत पर दो राय नहीं, उनकी अमानत पर दो राय नहीं। और दिन रात वो मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शरायत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। मैंने, नवाज शरीफ ने, आपने, हमारी पार्टी ने अपना सियासी सरमाया झोंक दिया, सियासत नहीं की, रियासत को बचाया खुदा की कसम। और इतने मुश्किल हालात में ये कोई आसान फैसला नहीं था। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, दुनिया में जो कमोडिटीज की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की क़यादत में ये कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ोमा ने मिलकर फैसला किया कि हम इंशाल्लाह इन सख्त हालात का मुकाबला करेंगे। और आपने देखा बजट में गरीब आदमी के लिए इन तमाम तर शदीद माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को, सरकारी मुलाजम को 35% और 30% तनख्वाहों में इजाफा दिया गया, और उनकी जो पेंशन है 17% इजाफा दिया गया। इन हालात में ये एक बहुत बड़ा एक फैसला था जो हमने किया। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं, दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। और ये बड़ी जरी कौम है, मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी जरी कौम है, इसमें बड़ी हिम्मत है, बड़े बड़े इम्तिहान आपने, आपके बुजुर्गों ने उससे गुजरे हैं, तूफानों से गुजरे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ कायम दायम रहेगा बल्कि तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। और आज मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकसारी से दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा। और इंशाअल्लाह वो मेमार है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। और जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। कि जनाब दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली, और उनके ऊपर बातें की जाएं ताने के साथ। अभी मैं कल मैं बाकू अजरबैजान से होके आया हूं, और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है भाई, रूस से तेल। मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफर और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, हत्ता के ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया, ये बताते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ उसके झूठ के ऊपर। मैं समझता हूं कि 6 महीने 8 महीने जिस तरह उसने कौम को बरगलाया, ये एक हकीकत काफी है उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए। इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल अजरबैजान के साथ हमने मुआहदा किया, और उनके सदर ने कहा कि हम पाकिस्तान, हमारा ब्रादर मुल्क है,
और उसके लिए हम इंशाल्लाह हर तरह से तैयार हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की कश्मीर पॉलिसी, इन्होंने क्या किया, इमरान न्याजी ने कहा कि फोन के नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा, और कभी एक दिन वहां से इंपोर्ट्स खोल दी और फिर अगले दिन बंद कर दी और नरेंद्र मोदी के गीत गाए। हमने तो नरेंद्र मोदी के गीत नहीं गाए, हमने तो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने कश्मीर के बारे में बड़ी एक मौजू और जामे और बहुत ताकतवर पॉलिसी बनाई थी, और न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी भरपूर तकरीर की थी। मैंने भी वहां पर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर वहां पर जाके तकरीर की। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मर सकता है, कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं हो सकता, ये आप अच्छी तरह जान लें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूं कि आपको जरा परेशान नहीं होना, मुश्किलात हैं जिंदगी में आती हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे, और नवाज शरीफ की क्यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी, चप्पे चप्पे में सड़कें थी, फ्लाईओवर थे, मोटरवेज थी, और पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने ये नौजवान क्यादत को मुंतखब किया, और मेरे जैसा अब मैं 72 साल को पहुंचने को हूं, मेरी ये दुआ है कि हमारी जिंदगी में नवाज शरीफ की क्यादत ये मुल्क कायदे आजम के रास्ते पर चल पड़े, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई कर ली। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुसरखू रखे, आपको आबाद रखे। मेरे साथ नारा लगाएं, कायदे आजम, कायदे आजम, नवाज शरीफ, आवाज भी है नवाज शरीफ, पाकिस्तान। ओ सोना लगदा मी